नमस्कार दर्शक बंधु श्री अनंत को स्वागत। आज मुख्य विषय वस्तु हेउची चरित्र गठन रे नारी रो भूमिका। आचार्य चाणिकंक मतरे नारी एभली एक दुई अर्थ बोधक शब्द जहां कि दुहिता दुई कुल कुहिता नचे दुई कुल को पिता। संस्कृत रे कुहा जाय छि जे नारी अर्थात नारी माने का शत्रु नहंती, किंतु आज युग रे आमे जदि चाणकंक नीति को अनुसरण करबा ताहे होची ठीक तार ओलटा। एपरिकी नारी माने प्रत्येक कथारे प्रत्येक कार्यरे तांकर रीतिनीति नियम संपूर्ण अलगा। चाणकंक मतरे जेउ नारी मस्तकर केशगुडिक अत्यंत छोट होइथाय से नारी बहुत मायावी और कामतुरा होइथाय, तार भाषा बहुत कठोर मध्य होइथाय। चाणक आहुरी मध्य कहिछन्ती जे नारीर शरीरर दक्षिण बटे कळा जाइथिले से नारी सदा सर्वदा स्वार्थ रखी काम करिथाय। एपरिकी कथा कथारे मिछ कहि अन्य व्यक्ति मानक पाखरु स्वार्थ हासिल करिथाय। चाणक्य आहुरी मध्य कहिछन्ती जेउ नारीर पादर आंगुठी गुडिक लंबा तथा पादर आंगुली फांका थाए एवं पादर गोइठी अत्यधिक चौड़ा थाए सेई जातीय नारी मानकर भाषा अति कठोर होइथाय। अकारण रे से नारी क्रोध करबा सहित निमिषक मध्य रे परिवार को छारखार करि देइथाय। चाणक्य आहुरी मध्य कहिछन्ती जे जेउ नारीर ओठो चौड़ा एवं जेउ नारी देहरु खराब दुर्गंध बासना होइथाय से नारी परपुरुष मानक सह गुप्त संपर्क रखिथाय। एक घर भांगी सहस्र घर भांगिबा एवं सहस्र घर भांगी एक घर करिबा से नारीर लक्ष्य एवं उद्देश्य संपूर्ण भिन्न होइथाय। तत्सहित तार स्वामी जेते रोजगार कले मध्य सबुबेले अर्थर घोर अभाव घटिथाय। जय हो आनंद।